कार्रवाई कर सकते हैं, इसी तरह हमने देखा कि फैशन से कार्रवाई हो सकती है। उनका कंबाइंड कोई छोटे छोटे जैसे फैशन लोग उन्होंने वेबसाइट ऑपरिंग की थी, तो तमाम बॉर्डर के साथ वर्किंग बॉर्डर के साथ, और जो उन्होंने छोटे छोटे बैटल ग्रुप थे जिसके अंदर इन्फेंट्री टैंक और बाकी चीजों को मिला के रैपिड रैपिड डिफेंस और रैपिड ऑफेंसिव कहते हैं वो, तो उनके डिसीजन उन्होंने ले किए थे, उसके मुख्तलिफ बैटल ग्रुप डिप्लॉय किए थे। और उन्होंने कहा था कि हम दो तीन जगहों पर हमला करेंगे जहां से उसको सक्सेसफुली हम अंदर चल के उसको स्ट्राइक करेंगे, ये भी चीज है। अब पाकिस्तान आर्मी का आपने देखा आर्मी चीफ ने विजिट किया बेडफोर एरिया को। ठीक है, गजनफर हमीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। नादिर मीर साहब, आज भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की है, तैयारों को पाक फजाई के बरवक्त और मुअसर जवाब का भी सामना करना पड़ा है। एक जानिब अमन की बातें की जाती है, दूसरी जानिब ये ओछे हथकंडे, चाहता क्या है आखिर भारत? भारत तो जो चाहता है वो तो 70 सालों से क्लियर है, पहले आप फैसला करें आप क्या चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए, हमारी पाकिस्तान नेशनल फॉर्म मूवमेंट कहती है कश्मीर इज पाकिस्तान, इंडिया इज द एनिमी, तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीड को पहले मैं ब्लेम करता हूँ जो पिछले डिक्टेटर से लेके अभी तक जो यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जी दोस्त है, ये अच्छा दोस्त है जो आप पे हमला करने की तैयारी कर रहा है या दोस्ती हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह की दोस्ती होगी। अगर कि अमन चाहता है पाकिस्तान के, वो पहले तो प्रोपेगेंडा कर रहा था पुलवामा से लेके आप जिस 14 फरवरी से आज तक आपके खिलाफ कर रहा था और कर रहा है पूरी दुनिया में। अब आज ये जो सुबह की बात आप बता रहे हैं जो धमकियां दे रहा था उसकी मैनिफेस्टेशन या उसका जो अमली एक रूप है जो एक हुआ है वो अभी उन्होंने ट्राई किया है वॉयलेशन आपकी एयर स्पेस की, जिसमें उनकी इंडिया के जहाज एयरफोर्स के आके, और आपकी एयरफोर्स चूंकि अलर्ट थी, हमारी फौज भी अलर्ट है, आपने देखा पिछले दो कल ही आर्मी चीफ एयर चीफ ने भी कोऑर्डिनेटेड कॉन्फ्रेंसेज की हैं सारी फौज को और एयरफोर्सेज और नेवी को, सारी फौजी मिलिट्री फोर्सेज को तैयार किया हुआ है दिफा के लिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीज समझने की है कि ये है कि इसके सामने ये जो हो रहा है ये बिल्डअप नजर आ रहा है कि आगे क्या होगा, इसको समझने की चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। वो चाहता क्या है, वो तो चाहता है, आप पूछते सवाल है कि भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान ना हो, ये पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज दीजिए, ब्रिगेडियर नादिर मीर का मैसेज है। एस चेयरमैन PNRM, आई एम टेलिंग यू इंडिया इज द एनिमी, अगर अभी भी नहीं मानते तो फिर जब बम गिने इंडिया के गिरेंगे तो तब मान जाए, वो ठीक है हम भी बहुत मार लेंगे उनको, मगर पहली बुनियादी बात है ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ये जो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई और हमारे सियासतदानों ने की थी, डिक्टेटर भी शामिल था, इसको खत्म करें, पाकिस्तान की फॉर्म यूनाइटेड